नमस्कार, खबर समेत स्वागत में आपका स्वागत है। मैं हूँ आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। चितरंगी खबर विधानसभा क्षेत्र चितरंगी से है, जहां उपखंड अधिकारी चितरंगी असवन राम चिरावन का 20 से 25 दिन पहले जोखो पुल के पास एक्सीडेंट हुआ था, जिससे दोनों पैरों के घुटनों में चोट आई थी, जिनका अभी भी इलाज चल रहा है। फिर भी दर्द से कराहते हुए अपने कार्य को प्राथमिकता के साथ कर रहे हैं। आज भी इलाज चल रहा है, जिसकी चिकित्सीय रिपोर्ट देखी जा सकती है। गौरतलब हो कि अभी भी चलने फिरने में विसंगति देखी जा सकती है। वहीं 22 जनवरी 2024 को श्री राम प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में चितरंगी में कार्यक्रम समापन की ओर था, जहां राज्य मंत्री राधा सिंह शिरकत करते हुए पूजा अर्चना करने पहुंची थी। समापन के बाद मंदिर से वापस आते समय एसडीएम बार बार अपना जूता पहनने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन दर्द इतना था कि झुक नहीं पा रहे थे, पैर भी नहीं मुड़ रहा था। इतना देर बगल में खड़ी संवेदनशील महिला निर्मला देवी से उपखंड अधिकारी की समस्या नहीं देखी गई, तो उसने मानवता के नाते अपने स्वेच्छा और बिना किसी दबाव से जूता पहनाने में मदद कर दी, जिसकी खबरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। खबर की वास्तविकता क्या है, प्रस्तुत है रिपोर्ट। हेलो, हाँ, अपना नाम बताएं। निर्मला देवी। हाँ, आप यहाँ तहसील में रहती हैं? जी। किस पद पर हैं? जीत पर थे हूँ। अच्छा, बताइए, एक मामला चल रहा है, कुछ दिन हनुमान मंदिर पर प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था जी, तो उसमें आप एसडीएम को जूता पहनाते हुए दिख रही हैं। क्या मामला था, किसी ने कहा है कि आप स्वयं जो है तो जूता पहनाई है? सर, ऐसा है कि लगभग 20-25 दिन पहले उप मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम में एसडीएम सर गए थे, जहां एसडीएम सर का एक्सीडेंट हो गया था, जिसकी वजह से दोनों घुटनों में चोट आ गई थी और साहब ठीक से चल नहीं पा रहे थे, इसलिए हनुमान मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चल रहा था। कार्यक्रम के दौरान संपन्न के नहीं, हम जो पूछ रहे हैं आप बताइए कि एसडीएम साहब या कोई बोले थे जूता पहनाने के लिए कि आप स्वयं पहनाई थी? इधर देखिए, आप जो मैं पूछ रहा हूँ वही बता दीजिए बस। आप अपने स्वेच्छा से आपने जूता पहनाया है कि किसी के कहने से? जूता पहन के साथ चलने वाले थे, उनकी जूते का बद्धी झूल रही थी, उसके में मैं सहयोग की सर, अपने सुरक्षा से की। अच्छा, मेरे को देखा नहीं गया सर वो। मैंने किसी के एसडीएम साहब नहीं बोले थे? नहीं, वो तो ध्यान नहीं किए थे। हाँ। कि कौन जूता मेरे को बद्धी संभाल रहा था, ये भी ध्यान नहीं किए सर। हाँ हाँ हाँ, उसको पता नहीं। अच्छा, तो मैंने आप अपने सुरक्षा से जो है अपने सुरक्षा से सर। हाँ, आपने जो है तो मैंने सुरक्षा से अपने विचार से जूता पहनाने लगी है ना, उनकी तकलीफों को देखकर कि फिर बद्धी संभालेंगे तो सर झुक जाएंगे, गिर जाएंगे, नाली है। अच्छा, तो चलिए, आपने सहयोग किया अपने स्वेच्छा से, इसमें कोई किसी ने कुछ बोला नहीं है, आप स्वयं जो है तो ये। नहीं नहीं सर। हाँ ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी जानकारी दी। ठीक, हमारे सामने यहाँ पे अधिवक्ता अखिलेश प्रसाद द्विवेदी जी हैं और यहीं चितरंगी में अपना जो है सेवा दे रहे हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस समय एसडीएम साहब की चितरंगी की एक खबर चल रही है, उसमें एक महिला की जो है तो जूता पहनाते हुए दिखाया जा रहा है। आप यहाँ रहते हैं, क्या एसडीएम साहब के बारे में क्या आप बता सकते हैं? जो खबर चल रही है तो फास्ट चल रही है। माननीय एसडीएम साहब महोदय लगभग 20-25 दिन से ये झोंकों में पुल का निरीक्षण करने गए थे, तभी पैर फिसला और पैर में भी नीचे भी घुटने भी चोट आ गया था। माननीय एसडीएम साहब द्वारा जिस प्रकार से कार्य किया जा रहा है ये सराहनीय है। अगर अन्य अधिकारी कोई होते इतना चोट के बावजूद कभी भी कोर्ट में काम न करते। माननीय एसडीएम साहब के द्वारा दो व्यक्ति प्यून या बाबू मान दोनों तरफ से पकड़ते हैं तो माननीय को जाकर के सीट पर पहुंचाते हैं, माननीय पूरा कार्यालयीन काम न्यायालयीन काम करते हैं, फिर वहां से उठा करके मानव को पकड़ के जा करके यहाँ बैठाते हैं। तो ऐसी कंडीशन मानव कार्य कर रहे हैं और ये जो वीडियो डाला है, जो वीडियो डालने वाले हम धन्य कहते हैं कि मानवता के नाम का चीज नहीं है। साहब किस कंडीशन में है, पर वो कैसा वीडियो डाला है, ये चोट कहाँ पे लगी है? चोट मानवर गए थे झोंको जो पुल बन रही है सोन में, उसको जांच करने के लिए कुछ ही पैर फिसला, जो रेलिंग लगी थी रेलिंग में पैर नीचे गया, घुटना जो है घुटने में अधिक चोट आ गई। तभी से मानवर बिल्कुल कंडीशन यह है कि मानवर को ये दो लोग माने पकड़ कर लेकर आते हैं और जाते हैं। आज भी मानवर कंडीशन सही नहीं है, धन्य के मानवर है, कार्य कर रहे हैं। अगर कोई वरिष्ठ अधिकारी रहा होता तो जाकर जरूर मेडिकल लेता, पर मान्यवर जो है। एसडीएम की कार्यशैली कैसी है? बहुत अच्छी है, व्यवहार कुशल है, अच्छी है, सराहनीय कार्य कुशल है।
मैंने संतोषप्रद है आप। संतोषप्रद है बिल्कुल। चलिए, आपने एसडीएम चितरंगी के बारे में बहुत सी जानकारी दी, आपकी बहुत बहुत बधाई। जी सर, हमारे सामने चितरंगी एसडीएम साहब हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि एक मामला बड़ा तूल पकड़ते जा रहा है कि आपके द्वारा जो है किसी महिला से आपने जो है तो अपना जूता पहनवा रहे हैं, क्या सच्चाई है, क्या मामला है, बताएं। दरअसल क्या है, 30 दिसंबर 2023 को माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय जो है शुक्ला साहब एनएच जो है गोपत पुल पर बने, गोपत नदी के पुल पर बने पुलिये पर आदरणीय आए थे। हम लोग उस समय जो है कलेक्टर साहब सभी थे। मेरा अचानक जो है दायां पांव फंस गया और मैं वहां पे इंजुरीज हो गया था और दोनों घुटनों पे काफ़ी चोट आ गई है। तब से लेकर मैं जो है चलने फिरने में बैठने में बड़ी तकलीफ होती है। मुझे मेरे को मेरे स्टाफ लोग सहयोग करके मुझे गाड़ी में बिठाते हैं, चलाते हैं, उठाते हैं। दरअसल क्या था कि प्राण प्रतिष्ठा का दिवस था 22 जनवरी 2024 को और अपने यहाँ जो चितरंगी स्थित हनुमान मंदिर में पूजा कीर्तन चल रही थी, माननीय मंत्री जी भी थे और मैंने क्योंकि मंदिर पे खड़े होना था तो मैंने अपनी जूता जो है साइड में अपने दोनों पाँव के सहारे निकाल दिया था। जब कार्यक्रम संपन्न हुआ तो मैं अपने पाँव के सहारे पैर के सहारे मैंने उस जूता को पहन तो लिया पर वो बत्ती मेरा खुला हुआ था और मैं झुक नहीं सकता था, बांध नहीं सकता था, वो पाँव में फंस रहा था और तकलीफ हो रही थी। बगल में जो है हवन कुंड और नाली था, गिरे जैसा मुझे लग रहा था। तो मेरे जो कर्मचारी है निर्मला देवी, उन्होंने तो मेरा सहयोग करने के लिए मौके पर उपस्थित हुए और मेरा वो बद्दी में सहयोग किए हैं। बाकी मैंने उसको कभी आदेश नहीं किया और ये मैंने बाद में देखा कि कौन है मेरे पांव की तरफ आए हैं, तो मैंने देखा कि ये निर्मला देवी वहां पे जो है हेल्प कर रही थी मेरा। और उन्होंने, मैंने पूछा भाई ये क्या कर रहे हो, तो उन्होंने कहा सर आप नाली में ना गिर जाए और बद्दी अगर फंस जाएगी तो कहीं भी गिर सकते हैं, तो मैं उसकी मदद कर रही हूँ, ये उन्होंने मौके पर कहा। जी, बस मामला यही है। जी, बाकी जो चल रहा है न्यूज वो मैं जहाँ तक समझता हूँ वो असत्य है, मैंने सच्चाई उसमें नहीं है। जी जी, आपकी आपकी परेशानी देख करके जो है तो उन्होंने स्वयं अपने स्वेच्छा से जो है तो जी अपने को पहनाया है। जी, चलिए, आपने इतनी बड़ी जानकारी दी और मीडिया के माध्यम से आपकी बात लोगों तक पहुँचेगी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चितरंगी से खबर समय जगत के लिए रजनी साहू की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.